संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो देखने में बेहद आकर्षक और सुंदर लगता है। हम बात कर रहे हैं साहिल के बारे में। इनके शरीर के बाल काफी मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं। इन बालों को साहिल का कांटा भी कहा जाता है। ये इतने कड़े होते हैं कि किसी को भी भेद सकते हैं और इसी से ये अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं। इनके आगे का पैर बेहद मजबूत होता है, इतना मजबूत कि इससे ये अपने मांद की भी खुदाई करने में सक्षम होते हैं। ये भारत में मुख्य रूप से पहाड़ों के किनारों पर और जंगलों में पाए जाते हैं। ये दिन के अपेक्षा रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। दिन में ये ज्यादातर अपने मांद में सोते हैं। साहिल हमेशा जोड़े में ही रहते हैं, सिर्फ खाना खोजने के समय ये अकेले रहते हैं। साहिल काफी अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन ये ना तो अच्छे पर्वतारोही होते हैं और न ही ज्यादा कूदने में सक्षम। शायद इसीलिए ये पहाड़ों के नीचे जमीन पर प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाओं में या स्वयं द्वारा निर्मित मांद में ही रहते हैं। भारतीय साहिल पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। इन्हें घास, फल, फूल या अनाज खाना ज्यादा पसंद है। साहिल का प्रजनन काल फरवरी से मार्च तक होता है। 240 दिनों के बाद मादा साहिल एक बार में 2 से 4 बच्चे को जन्म देती है। नवजात साहिल लगभग 1 साल तक मांद में ही रहते हैं। इस दौरान उनके माता पिता दोनों उनका देखभाल करते हैं। इनका जीवन काल 20 सालों का होता है और वजन 11 से 18 किलो। इनकी लंबाई ज्यादातर 70 से 90 सेंटीमीटर तक की होती है। ये एक लार्ज साइज का रोडेंट है, अर्थात ये चूहे के फैमिली से कुतर कुतर कर खाने वाले फैमिली में का सदस्य है। जो शाही होते हैं, पोर्क्यूपाइन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग पूरे विश्व में पाया जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल हैं, अर्थात ये रात में ही सक्रिय होते हैं। ये पेड़ पे आसानी से चढ़ सकते हैं और ये अपना मांद बनाकर रहना पसंद करते हैं। इनमें जो एक पिक्युलरिटी पाई जाती है, एक कांटे के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनके शरीर पर पाया जाता है, जिसे क्वेल्स कहते हैं। इसके सहायता से ये अपना डिफेंस करते हैं। ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन्हें प्रीडेटर से बचाते हैं। और इसके अतिरिक्त ये खास तरह का सेंट भी सेक्रेट करते हैं जब ये किसी भी तरह का इनको असुरक्षा की भावना आती है। इन क्विल्स की संख्या इनके शरीर पर लगभग 30,000 तक हो सकती है, जो क्रिएटिनिन से होता है। और ये बॉडी से निकलने के बाद फिर से इनका रीजनरेशन शुरू हो जाता है। और जब ये ऑफेंसिव होते हैं और तो उस टाइम इनके जो क्वेल्स हैं ये खड़े हो जाते हैं और चलने पे एक घुंघरू की तरह इनका आवाज़ आता है, जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। और ये एक मतलब अपने दुश्मनों को सतर्क करने के लिए एक वार क्राई टाइप का अपने क्वेल्स के माध्यम से देते हैं। लंगूर एशियाई बंदरों की विभिन्न जातियों का सामान्य नाम है। इन्हें कहीं कहीं हनुमान बंदर भी कहा जाता है। इनके पूंछ सहित शरीर की लंबाई 150 से 175 सेंटीमीटर तक होती है। इनके पूंछ इनके शरीर से लंबे होते हैं। पूंछ की लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। मादा नर से छोटी होती है। लंगूर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हुए अगर पहुंचने में असमर्थ हो जाएं, तो अपने पूंछ के सहारे जमीन पर पांव रखे बिना अपने पूर्व के स्थान पर वापस आ जाते हैं। इनके शरीर का रंग सलेटी और चेहरे, कान, तलुए, हाथ पैर का बाहरी हिस्सा काला रहता है। एक स्वस्थ लंगूर का वजन 16 से 21 किलोग्राम तक होता है। लंगूर बंदरों से कम उछल कूद करने वाले होते हैं और आबादियों की अपेक्षा जंगलों में रहना अधिक पसंद करते हैं।
लेकिन कहीं कहीं बस्तियों में भी इनके समूह दिखाई पड़ते हैं। इनका जीवन काल 20 से 30 सालों का होता है। लगभग 6 महीने के गर्भ धारण के बाद मादा लंगूर एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है, जो कुछ समय तक माँ के पेट से चिपका रहता है। माँ अपने बच्चे का बहुत अच्छे से देखभाल करती है। नवजात लंगूर 4 से 5 सालों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। इन्हें फल, फूल, सब्जियां और पत्ते खाना पसंद है। इसकी संख्या जो होती है खुले में, अगर जंगलों प्राकृतिक वास में देखें तो 10 से 100 के आसपास में इसकी संख्या होती है। और ये काफ़ी धार्मिक दृष्टिकोण से इन्हें हनुमान भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रखरखाव पे, इनके एक्टिविटी गतिविधि करने के लिए झूले इत्यादि की व्यवस्था की गई है। रखरखाव पे ध्यान देना पड़ता है, चूँकि मौसम के हिसाब से इन्हें भोजन और आवासन की व्यवस्था की जाती है। मूल रूप से इन्हें हम लोग भोजन में मूंगफली, चना और फल देते हैं। अभी विशेषकर गर्मी में हम लोग इन्हें तरबूज देते हैं और जाड़े में इन्हें गुड़ और शहद भी हम लोग देते हैं। इनके रखरखाव में प्रतिदिन केज की सफाई की जाती है, इनके पूरा केज पर ध्यान देना पड़ता है। साहिल अपने आकर्षक रूप और कांटों के कारण और लंगूर अपने एनक्लोजर में अपनी चंचलता के कारण चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। यहां आने वाले हर उम्र के दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।